आ गया, अब आ गया। गुड मॉर्निंग, आई एम हियर टू स्पीक अबाउट आवर ग्रेट पर्सनालिटी, द फादर ऑफ इंस्टीट्यूशन। आचार्य जी का जन्म 2 अक्टूबर 1933 में हुआ। आचार्य जी अत्यंत प्रभावी कुशल प्रशासक विचारों के करके समर्पित दृढ़ निश्चय व्यक्ति थे। आचार्य जी इस प्रकार के व्यक्ति थे जो निश्चय करते थे उसे जब तक पूरा नहीं करते तब तक चय नहीं लेते। आज जो आलोक संस्थान खड़ा हुआ है यह इसी का प्रतिफल है। शैक्षिक क्षेत्र के माध्यम से लोगों की सेवा करना और बच्चों को संस्कारित करना उनका मूल मंत्र था। आचार्य जी अपने प्रारंभिक जीवन से ही बहुत कर्मशाली रहे। आचार्य जी हमेशा सृजनात्मक रहे, साथ ही वे अपने गहन विचारों को आत्मसात करते रहे। श्रद्धेय आचार्य जी का व्यक्तित्व जीवंतता से भरपूर एवं प्रेरणादायक था। आचार्य जी प्रारंभ से ही शिक्षा के विकास का लक्ष्य निश्चित करके अपने विचार यात्रा प्रारंभ किए। आचार्य जी ने जिस तरह से आज अपना मुकाम और प्रतिष्ठा बनाई है वह जग जाने वह अविस्मरणीय है। स्वतंत्र विचारों के साथ आचार्य जी बहुत अनुशासनीय भी थे। आचार्य जी राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्तित्व थे। आचार्य जी का एक आदर्श आचार्य जी एक आदर्श शिक्षा कर्मी है। आचार्य जी का एक आदर्श व्यक्तित्व थे जो अपने ज्ञान के आधार से हिंदू समाज ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज का कल्याण की निष्ठा और कर्मिता से कर रहे थे। आचार्य जी एक सशक्त दृढ़ निश्चय गुरु कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति थे। आचार्य जी स्तर का व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। श्रद्धेय आचार्य जी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने काम समय से करने चाहिए और जीवन में जितनी भी चुनौतियां आए उनका सामना साहस